आदि हैं, शिव अनंत हैं और देवों के देव महादेव शिव की गाथा जो है वो अपरंपार है। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर राजधानी रांची के सभी शिवालय जो है दुल्हन की तरह सजाए गए हैं, यानी कि जगमगा रहे हैं। भक्त जनों की अपार भीड़ जो है वो अहले सुबह यानी 3 बजे सुबह से ही लग रही है और अभी भी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर में पूजा पाठ का प्रावधान है और चारों पहर में पूजा पाठ हो रहे हैं। कई भक्त जन है, फिलहाल अभी हम अरगोड़ा चौक के समीप बूढ़ा महादेव मंदिर है वहाँ पर उपस्थित हैं, वहाँ मौजूद हैं। और ये बूढ़ा महादेव जो है काफी प्राचीन मान्यता, काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कई प्रबुद्ध जन है, आचार्य है। चूंकि आचार्य जो है वो कई सारी चीजों के ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन कई जो भक्त हैं वो बस इतना जानते हैं कि महादेव है और अगरदानी है, इनसे मांगने की जरूरत नहीं होती है और बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं। पहले लिए चलते हैं जो आचार्य है। सर, आज के दिन का जो विशेष महत्व है वो बताएं। पहले ही मैं आपसे चर्चा किया कि आज का दिन जो है बहुत ही शुद्ध अमृत योग है और आज शनि प्रदोष भी है और आज ही के दिन माँ पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, तो आज इससे बढ़िया उत्तम दिन हो ही नहीं सकता। जो देवादिदेव महादेव का आज विवाह का दिन है और सभी लोग हम लोग उत्साहित होकर के इस विवाह महोत्सव को मना रहे हैं और हम ये कहेंगे कि आज अधिक से अधिक भगवान के नाना भी दूध से, दही से, घी से, मधु से और जितने प्रकार से अगर उनको स्नान कराया जाएगा तो बाबा अवघड़दानी है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कहेंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव से आज देवघर नगरी तो गूंज ही रही है लेकिन रांची नगरी भी गूंज रही है। हर हर महादेव जो है सभी शिवालयों में गुंजायमान हो रहा है। एक भक्त है, महिला भक्त है, क्या पूजा अर्चना की है, क्या भगवान से मांगी? अपना सुखी संपत्ति, पूरा परिवार सब कोई रहे, अपना गांव घर सब अच्छा सुख शांति से रहे, बस यही। बिल्कुल, सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि अपने लिए तो प्रार्थना होता ही है, पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व की शांति हो, ये कामना करते हैं। एक और है पंडित जी, हैं इधर देखिएगा, शिव, हाँ बड़े शिव भक्त हैं, क्या कहेंगे? ये शिवरात्रि, अच्छा, पार्वती हर हर महादेव, ये सो पर्व है, सो ये हमारे हिंदुओं समाज के लिए बहुत बड़ा पर्व है, ये है सो सभी को सुख शांति प्रदान करे, पूरा कोरोना मुक्त करे देश को, यही सब कामना चाहते हैं, सभी कोई खुशहाल रहे, शांत। बिल्कुल, हमारा देश मजबूत हो और पूरे विश्व में हमारे देश की जय जयकार हो, हमारे देश का डंका बजे। ये हम दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे कि ये जो तस्वीर है ये माँ शक्ति यानी शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बे का मंदिर है, यहाँ पर प्रतिमा है और ये भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रात्रि में यहाँ पर जो है शिव पार्वती विवाह का आयोजन है, कुछ ही देर में यहाँ पर बारात भी निकलने वाली है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं जो है वो काफी दुरुस्त की जा रही है। एक कई लोग जो है यहाँ से पूजा अर्चना करके और जा रहे हैं। इधर आइए मैम, पूजा कर ली? जी कर ली। क्या भगवान से प्रार्थना की? सब कुछ अच्छा। कब से महाशिवरात्रि मनाती हूँ? पहले से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, पहले से यानी 15-20 सालों से कर रहे हैं। हाँ जी, काफी खुशी मिलती है जब उपवास रखती है। 15-20 सालों से जो है ये पूजा अर्चना करती आ रही हैं और काफी खुशी होती है। बता दें कि सभी वर्ग के लोग, या बच्चे हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी यहाँ भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करने आते हैं, पूजा करने आते हैं और महाशिवरात्रि बता दें कि बेहद ही खास दिन होता है। शिव जो है वो उनमें सागर का विष भी होता है और चंद्रमा की शीतलता भी होती है, तो ऐसे में प्रकृति का समन्वय किस तरीके से होता है, किस जो है प्राकृतिक जीव जो है आपसी कैसे सामंजस्य बना करके रहते हैं, ये जो है शिव बारात में देखने को मिलता है। तो ऐसी कई जो सीख है, ऐसे कई संदेश हैं वो हमें सीखने को मिलता है इस महाशिवरात्रि पर। एक संदेश दे जाता है अपने कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची।